दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑनलाइन अर्निंग के तरीके के कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल टॉप फॉर यू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जिनसे आपको फायदा पहुंच सके, आपका नॉलेज इंक्रीज हो, आपके इल्म में इजाफा हो, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे पास जो भी बात होती है मैं उसे आपके तक पहुंचा देता हूं। तो आज हमने बात करनी है ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से तरीके हैं और बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा बेस्ट वे है ऑनलाइन अर्निंग का जिससे हम बेस्ट ज्यादा पैसा कम वक्त में कमा सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग के अगर देखा जाए तो तीन तरीके हैं, उनमें से अगर नंबर वन पे बात की जाए तो यूट्यूब आता है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे आप सबसे ज्यादा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से कमा सकते हैं पैसा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यूट्यूब पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 100 वीडियो जब आप अपलोड कर लेंगे, एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है आप एक ही वीडियो अपलोड करें तो आप उसी से पैसा कमाने लग पड़े। यूट्यूब पे आपको पैसे कमाने के लिए पहले 10,000 व्यूज लेने पड़ते हैं। 10,000 लोग जब आपकी वीडियो देख लेंगे तो आपको यूट्यूब पैसे पे करते हैं, उससे पहले आप यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको पता ही होगा, ज्यादा लोगों को, जिनको नहीं पता, गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें आपके पैसे आते हैं। और मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि गूगल एडसेंस का अकाउंट किस तरह बनाते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो ऑनलाइन अर्निंग का जो दूसरे नंबर पर तरीका है वो है वेबसाइट से। जी हाँ दोस्तों, तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा वेबसाइट से। वेबसाइट से दोस्तों आपने एक अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट फ्री भी क्रिएट हो जाती है, काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे जिनसे आप फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट से भी अर्निंग का एक अच्छा तरीका है, उसके भी आप पैसे एडसेंस में डाल सकते हैं। मतलब आप एक एडसेंस बना लें, वैसे ये मेरा मशवरा है, एक एडसेंस ना बनाएं गूगल एडसेंस का। अगर आप यूट्यूब से भी अर्निंग करना चाहते हैं और वेबसाइट से भी, एक अकाउंट ना बनाएं आप, मतलब दो बना लें। अगर आप मतलब दोनों से अर्निंग कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है आपका गूगल एडसेंस आपकी यूट्यूब की वजह से बंद हो जाए, कई बार हो जाता है ऐसा, तो साथ ही आपके जो वेबसाइट के पैसे हैं वो भी जाते रहेंगे। इसलिए आप दो गूगल एडसेंस के अकाउंट बनाएं, तो वेबसाइट की उसमें अर्निंग डालें और यूट्यूब की इसमें। उसके अलावा दोस्तों नंबर थ्री पे अगर देखा जाए तो बेस्ट वे, सबसे बेहतरीन तरीका वो है ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आप एक अपना ऐप बनाएं, आप ऐप के जरिए बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और ऐप से अर्निंग होती भी, मतलब ज़्यादा भी होती है। और अगर आप एक अपना ऐप बना लें तो उससे आपको मतलब काफ़ी मशहूरी भी मिल जाती है और काफ़ी कुछ मतलब आपको मिलता है। आपके जो आप कई ऐप देखते होंगे उन पे एड्स आते हैं, मतलब आपने अगर कोई प्रो ऐड आप नहीं यूज़ कर रहे, आप सिंपल सा ऐड मतलब सिंपल सा आप यूज़ कर रहे हैं ऐप, तो उस पे मतलब ऐड नहीं आएंगे, ऐड आएंगे। अगर आप प्रो यूज़ कर रहे हैं तो प्रो पे ऐड नहीं आते, सिंपल सा अगर आप कोई भी ऐप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस पे आपको ऐड मिलेंगे। मतलब आप ये आप देखते होंगे नीचे लिखा होता है कि टू मच ऐड, वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी ऐड लगाते हैं या चलाते हैं उनके पैसे उनको मिलते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपना ऐप बना सकते हैं, और ऐप बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही मतलब आजकल तो इतने ज़्यादा वीडियो एनालिसिस इतने ज़्यादा हो गए हैं, आप वीडियो कोई भी देख के आप अपना ऐप बना सकते हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं आपको, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने कोई सवाल पूछा। अगर नहीं भी पूछा तो उसमें मैंने काफ़ी मतलब सवालों के जवाब दिए हैं, गूगल एडसेंस कैसे बनता है, ये इस तरह के बहुत से मैंने सवालों के जवाब आपको दिए हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इससे पहले अपलोड की है। और आपको अगर कोई भी और प्रॉब्लम है या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी क्वेश्चन आंसर किया हुआ है नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका भी क्वेश्चन ऐड करूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छा जवाब मिले और आप मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें बात को, मेरी कोशिश यही होती है। तो अगर दोस्तों ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह।